वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे GS5 के पॉइंट नंबर 8 पे, हिंदी माध्यम का हमारा ये वीडियो। हम इसमें छोटा सा टॉपिक है ये, हम इसमें देखेंगे उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन का क्या मानदंड है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो होती हैं स्टेट्स, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। राजभाषा देखेंगे, संचित निधि, आकस्मिक निधि, आपका राजनीतिक दल क्या मानदंड है किसी दल को राजनीतिक दल बनाने के लिए, स्टेट पार्टी क्या होती है, नेशनल पार्टी क्या होती है, और राज्य का निर्वाचन आयोग। तो छोटा सा टॉपिक होने वाला है, वो सारी चीजें हम इस एक वीडियो में देखेंगे। हिंदी में लिखा हुआ, हिंदी में समझाया हुआ हमारा ये वीडियो है। आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, सारे अनुच्छेद लिखने हैं, जो भी आपको याद करने हैं, जो मैंने आपसे बोला है इसमें जो चीजें एक्स्ट्रा आपको बताई जा रही हैं, और साथ साथ अपना करंट अफेयर्स पढ़ते चलना है। इसके अलावा हमारे UPPCS मेंस का पेड कोर्स भी चल रहा है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं 2023 के लिए, और UPPCS 2024 के लिए हमारी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का भी एक कोर्स लॉन्च हुआ है। इसके अलावा UPSC 2024 के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप बैच की भी हमने शुरुआत की है, जिसमें कंप्लीट हैंड होल्डिंग, डाउट क्लियरेंस, पूरा मटीरियल, CSAT भी उसी में इंक्लूडेड है। तो वो कोर्स भी हमारा जल्द शुरू हो रहा है, आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं बाकी की डिटेल्स के लिए। फिलहाल के लिए हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे GS5 पॉइंट नंबर 8 हिंदी माध्यम के वीडियो। धन्यवाद। चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं हम हमारे GS5 पॉइंट नंबर 8, और ये हमारा हिंदी माध्यम का है वीडियो। उत्तर प्रदेश विशेष राज्य चयन मानदंड, राजभाषा, संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल एवं राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे विशेष राज्य चयन मानदंड। अब ये जो आपका विशेष श्रेणी के राज्य हैं, सबसे पहले तो ये शब्द आते ही आपको ये मन में आना चाहिए कि विशेष श्रेणी का मतलब क्या है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन सी हैं, स्पेशल कैटेगरी में उनमें ऐसा क्या स्पेशल है या उनमें ऐसा क्या विशेष है जो उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है। क्या संविधान में ऐसा दिया हुआ है? नहीं, संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ था। ये खबरों में काफी बार बना रहता है, वजह क्या है, कोई ना कोई राज्य अलग अलग टाइम पे ऐसी डिमांड केंद्र के सामने रखता रहता है। हाल ही की बात है, फरवरी मार्च में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ये कहा कि केंद्र किसी भी राज्य के लिए विशेष श्रेणी का जो दर्जा है उसकी मांगों पर विचार नहीं करेगा। ऐसी कोई मांग अगर आती है, ऐसी कोई डिमांड अगर आती है, तो अब उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वजह क्योंकि 14वें वित्त आयोग, अब अभी फिलहाल 15वां चल रहा है वित्त आयोग आपका, फाइनेंस कमीशन, जो 14वां वित्त आयोग था वहां कहा गया कि कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये खासकर किन राज्यों को सामने लेके कहा गया? उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे थे जो कुछ वर्षों से इसके लिए काफी जोर दे रहे थे, इस पे काफी चीज ऐसी मांग लोग कर रहे थे। तो अब आपका जो विशेष श्रेणी का दर्जा है SCS, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, तो ये है क्या? देखिए, ये भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक नुकसान का जो सामना कर रहे हैं राज्य, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके ज्योग्राफिकल और जो सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स हैं उन राज्यों में विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए ये केंद्र द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है, एक कैटेगोराइजेशन है। कब किया गया? अब संविधान में SCS के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, ये वर्गीकरण बाद में किया गया, 1969 में किया गया, ये 5वां वित्त आयोग का टाइम चल रहा था, उसकी सिफारिशों में ये अस्तित्व में आया। 1969 में ही जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, असम और आपका नागालैंड, इन तीन राज्यों में दर्जा सबसे पहले 1969 में दिया गया, इन तीन राज्यों को दिया गया। अब जम्मू कश्मीर तो है ही नहीं राज्य, ये तो भारी हो गया। अब होता क्या, जो पहले योजना आयोग होता था उसकी राष्ट्रीय विकास परिषद थी एक, उसके द्वारा योजना सहायता के लिए SCS प्रदान किया जाता था, ठीक है। अब फिलहाल अब ये जो राज्य है, कोई उसको विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, क्या विशेष है उसमें, उसके लिए कुछ मापदंड हैं और ये दिए गए हैं
किसकी रिपोर्ट पे ये दिए थे आपके पैरामीटर्स जो हैं, आप लिखेंगे पैरामीटर्स दिए गए थे गडगिल फॉर्मूला के आधार पे, गडगिल फॉर्मूला, ये हिंदी में भी ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और वो गडगिल फॉर्मूला क्या था, पहाड़ी इलाका होना चाहिए, पहाड़ी या दुर्गम भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व होना चाहिए या फिर जनजातीय संख्या का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए, पड़ोसी जो देश हैं उनकी सीमाओं पर सामरिक स्थिति हो, या तो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो, स्ट्रेटेजिक हो लोकेशन, और आर्थिक और आधारभूत संरचना में उनमें पिछड़ापन होना चाहिए, जो उनका इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाला एरिया है उसमें उनको पिछड़ा होना चाहिए, और राज्य के वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति होनी चाहिए, राज्य वित्त की अल्पता होनी चाहिए, ये सारी बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। अब SCS जो था विशेष स्थिति से अलग है, जो विशेष स्थिति क्या है, एक तो बात हो गई, तो पहले आप ये वाली बात सुनो, हाँ एक चीज मैं आपको ये बताती हूँ, जो सबसे पहले तो ये तीन राज्यों में लागू हुआ, अभी फिलहाल कितने राज्य हैं जिसे विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है, वो राज्य हैं 11, वो हैं असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। इन राज्यों को ये दर्जा क्यों दिया गया है, क्योंकि बाकी कोई जो दूसरी है ना पड़ोसी देश उसके साथ ये सीमा साझा यहाँ पे करते हैं, ये बहुत डिटेल में यहाँ पे टॉपिक बता रही हूँ मैं आपको, ये देख के बिल्कुल अच्छे से देख के जाना। अब तेलंगाना जो है भारत का सबसे नया राज्य है, तो उसे ये दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि उसे दूसरे राज्य आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था और लेटेस्ट बनाया गया है, इसलिए दर्जा दिया गया। अब फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये देखने से पहले आप ये देखिए कि 14वें वित्त आयोग ने क्या कहा है। 14वें वित्त आयोग ने ये कहा, जो पूर्वोत्तर हैं, यहाँ पे बता देती हूँ कहीं पे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं प्लस इनके अलावा तीन पहाड़ी राज्य, इनको छोड़ के विशेष श्रेणी का दर्जा जो है अब समाप्त कर दिया गया है, ये इस पे लेटेस्ट डेवलपमेंट है। इसने ऐसे राज्यों के संसाधन अंतर को कर विचलन के माध्यम से, फाइनेंशियल टैक्स डिवोल्यूशन जो होता है उसके माध्यम से क्या कर दिया, संसाधन अंतर को, आप जो गैप है ना उसको फिल करो 32% से बढ़ा के 42% करने का इन्होंने सुझाव दिया था। 32 था टैक्स डिवोल्यूशन, ये हुआ आपका 42। अब 15वें वित्त आयोग ने भी ये बात मानी हुई है, इसको 41% पे मेंटेन किया हुआ है। अब SCS जो है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और विशेष श्रेणी में क्या अंतर है, आप मुझे बताओ। विशेष श्रेणी और SCS में यही अंतर है, जो भाई SCS क्यों अलग है, जो बढ़े हुए विधायी और राजनीतिक अधिकार प्रदान करती है, क्या विशेष श्रेणी, और SCS केवल आर्थिक और वित्तीय पहलू से संबंधित था, मतलब आपकी इकोनॉमिक और आपकी फाइनेंशियल स्टेट कैसी है, सिर्फ इससे संबंधित SCS कैटेगरी मिलती थी, लेकिन विशेष श्रेणी जो है वो इससे संबंधित है कि आप राजनीतिक, विधायी और राजनीतिक अधिकार जो है आपको वो प्रदान होने चाहिए। उदाहरण के लिए क्या है, अनुच्छेद 370, उसके निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को क्या था प्राप्त, विशेष दर्जा प्राप्त था। आपने पैरामीटर्स देख लिए, अब विशेष श्रेणी की जो स्थिति है उसका लाभ क्या है, फायदा क्या है, क्यों कह रहे हैं सब स्टेट, क्यों आना चाहते हैं वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में या वो स्पेशल विशेष श्रेणी में क्यों आना चाहते हैं। जो दूसरे राज्य हैं उनके मतलब उनके मामले में 60% या 75% की तुलना में केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं होती हैं उसमें आवश्यक धनराशि का 90% विशेष श्रेणी के राज्य को भुगतान करता है, जबकि जो शेष धनराशि है वो राज्य सरकारें खुद प्रदान करती हैं। और एक वित्तीय वर्ष में अविवित धन जो होता है, जो अनयूज्ड फंड्स होते हैं, वो लैप्स नहीं होते, व्यपगत नहीं होते, उसको वो आगे बढ़ा सकते हैं, वैसा औरों के साथ नहीं होता है। इसके अलावा उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, आयकर, कॉरपोरेट कर, इन सब में महत्वपूर्ण छूट मिलती है इनको। और जो केंद्र का जो सकल बजट है उसका 30% इन राज्यों को, विशेष श्रेणी के राज्यों को जाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ चिंताएं भी लिख के आएंगे, आप पूरा का पूरा नहीं, ऐसे आंसर नहीं यहाँ पे छोड़ के आना है। चिंताएं क्या होंगी इससे संबंधित, भाई केंद्र वित्त पर बढ़ते बोझ का कारण है ये, केंद्र वित्त बढ़ रहा है इससे, साथ ही एक राज्य का आप मान लीजिए आपने एक राज्य को विशेष दर्जा दे दिया, आपने उसकी मांग पूरी कर दी, तो अब दूसरे राज्यों से भी यही मांग उठेगी। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार ने काफी मांगे की है इससे संबंधित। तो निष्कर्ष क्या निकला, जैसा कि आप लिखेंगे, जब आप इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके लिखेंगे ना, वित्त आयोग ने सुझाव दिया था कि राज्य को कर विचलन को बढ़ाकर 42% कर दो, तो इसे 15वें वित्त आयोग ने 41% अभी भी जारी रखा है, ताकि SCS का विस्तार किए बिना संसाधन अंतर को पाटा जा सके, जो आपका रिसोर्स गैप है। संसाधन अंतर के आगे आप ये भी लिखेंगे, रिसोर्स गैप, ये कीवर्ड है आपका, इसको फुलफिल किया जा सके, इसको कम किया जा सके।
ये है आपका विशेष श्रेणी, विशेष राज्य का दर्जा, पूरा टॉपिक यहाँ पे आपका हो जाता है खत्म, इससे बाहर नहीं पूछेगा। सारी चीजें मैंने आपको उसमें बता दी हैं, जो भी कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर आता है, वैसे लेटेस्ट यही है, इतना ही पूछेगा तो आता है तो आपको कराई दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हो गई इतनी बातें? अब आए आप देखेंगे राजभाषा। सबसे पहले 7वीं शताब्दी में हिंदी अपभ्रंश के रूप में विकसित हुई थी। ये सब हमने पढ़ा जब हमने प्राचीन भारत देखा था, जब हमने ये देखा प्राकृत का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ, वहां से हिंदी जो है उसमें से निकल के आती है और 10वीं शताब्दी तक ये भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है। ये लिखेंगे आप इंट्रोडक्शन में। हिंदी साहित्य में हिंदी की बहुत सी बोलियों का प्रयोग हुआ, ये पिछले कुछ लेक्चर्स में आपको सारी कराई गई खड़ी बोली सब कुछ। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली के स्थान पर अब कौन सी भाषा ज्यादा लोकप्रिय है? लोकप्रिय है ब्रज, साहित्यिक बोली थी, अब खड़ी बोली के स्थान पे आने तक अब ज्यादा पॉपुलर आपकी खड़ी बोली है। अब जो उत्तर प्रदेश की भाषाएं हैं उनमें आमतौर पे इंडो आर्यन भाषा परिवार की मध्य और पूर्व दो क्षेत्रों से संबंधित है। तब जो ये पूरा परिवार है, एक तो ये सेंट्रल और ईस्ट, इनसे संबंधित है। 29 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं और राज्य की आधिकारिक मानक भाषा क्या है? हिंदी। और को ऑफिशियल लैंग्वेज, सह आधिकारिक भाषा कौन सी है? उर्दू। प्रशासन की बात करें तो जो भाषाएं हैं वो किससे घोषित? हिंदी हुई है राजभाषा अधिनियम 1951, लिख के आना आपको ये। और 1989 में इसी में संशोधन करके उर्दू को भी इसमें इंक्लूड किया गया था। ये वाला फैक्ट भी आपको मैं पहले बता चुकी हूँ एक लेक्चर में, ठीक है। हिंदी भाषा प्राकृत और अपभ्रंश के माध्यम से संस्कृत की प्रत्यक्ष वंशज है, डायरेक्ट डिसेंडेंट है हिंदी। मैंने आपको बताया ना इससे डेवलप हुई है, गुप्ता काल में, अशोक के टाइम पीरियड में, ये बहुत सारे अभिलेख मिले जो प्राकृत में लिखे हुए हैं, कोर्ट लैंग्वेज होती थी ये। अब हिंदी जो भाषा है उसमें और बाकी कैसे प्रभावित हुई भाषाएं कौन कौन सी? द्रविड़ियन, तुर्की, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये सब जो भी यहाँ पे आएगा, राज करेगा, रहेगा, उसका प्रभाव यहाँ की खान पान से लेके पहनावे से लेके भाषा पे तो सबसे जल्दी प्रभाव पड़ता है। तो कुछ लोग जाते हैं पढ़ने मेरे ख्याल से साउथ में, तो वो बहुत जल्दी भाषा सीख के आते हैं साउथ की, तो भाषा पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। 180 मिलियन से अधिक लोग यहाँ हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, बहुत ही अच्छी बात। बोलियां क्या है हिंदी की? मारवाड़ी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, उर्दू, छत्तीसगढ़ी, बघेली, अवधी, भोजपुरी और बाकी की। हिंदी भाषा क्षेत्र की जो सीमाओं का परिसीमन है वो करना बहुत कठिन है, जाहिर सी बात है। भाषा के आधार पर जरूर यहाँ राज्य बटे हैं लेकिन आप परिसीमन नहीं कर सकते हैं। आप सोच लीजिए हरियाणा पंजाब अलग हुआ, तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा में चंडीगढ़ मान लीजिए, आप चंडीगढ़ में हरियाणवी बोलने वाले नहीं होंगे या पंजाबी बोलने वाले नहीं होंगे, ऐसा नहीं है, जरूर मिलेंगे आपको। तो इस आधार पर आप किसी भाषा को किसी रूप में बांट नहीं सकते, भाषा के आधार पर मतलब आप सीमाएं नहीं खींच सकते हैं। आप देख लो आप पाकिस्तान में सब पंजाबी बोलते हैं, मुस्लिम्स जितने हैं सब पंजाबी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951। अब आपको याद रखना है विधानसभा ने 27 दिसंबर को, उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने 29 सितंबर को ये बैठक में इसको स्वीकृत किया और फिर अनुच्छेद कौन से के तहत, 200 के तहत राज्यपाल ने 5 नवंबर 1951 को इसकी स्वीकृति इसको प्रदान करी और उत्तर प्रदेश सरकारी साधारण गजट में इसको प्रकाशित किया गया। मतलब यहाँ से ये शुरुआत हुई। अब इसमें क्या है, इसको इसका पूरा नाम आपने देख लिया, ठीक है, बार बार मत देखो, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा और तुरंत लागू होगा, वो कहते हैं ना विद इमीडिएट इफेक्ट। अब जो संविधान के अनुच्छेद हैं 346 और 347, इसके प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी ऐसी तारीख से प्रभावी जो राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, निम्नलिखित के संबंध में प्रयुक्त होने वाली भाषा होगी। अब आपके 346 और 347 क्या हैं भाई, जिनके ऊपर असर डल जाएगा, क्या है आर्टिकल 346 और 347 बताएगा कोई? ये बात करता है संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन। ये ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है, तो इसके अपोजिट ना जाते हुए इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रयुक्त होगी ये वाली भाषा। अब संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत प्रख्यापित अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो है भारत के संविधान के तहत या संसद या राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश, नियम, विनियम और उपकानून, राज्य के सभी या कोई आधिकारिक उद्देश्य और उपरोक्त
खंड ए और बी में अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं, बशर्ते कि राज्य सरकार इस संबंध में सामान्य विशेष आदेश द्वारा राज्य के किसी भी आधिकारिक उद्देश्य के लिए भारतीय अंकों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप के उपयोग की अनुमति दे सकती है। और उर्दू का प्रयोग इसके लिए उर्दू भाषी जो लोग हैं उनके हित उनके इंटरेस्ट में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले उद्देश्यों के लिए दूसरी राजभाषा के रूप में उर्दू का उपयोग किया जाएगा। 1989 के अधिनियम से संख्या 28 द्वारा इसको डाला गया था। ये संख्या उनके लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लिखना, मतलब लॉ का पेपर नहीं चल रहा है। ठीक, अब भाषा विभाग है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो भाषा विभाग है उसके मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है ये आपको देखना है। देखिए ये तो लिख के आना पड़ेगा। अनुनय प्रोत्साहन और प्रेरणा के माध्यम से क्या करती है राज्य सरकार ने, कार्यालयों में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देना, हिंदी के प्रयोग के लिए केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों को अनुदेश देना, उनका मार्गदर्शन करना, राजभाषा से जो संबंधित कार्यक्रम है गतिविधियां हैं उनकी जानकारी देना, प्रसार करना, अवेयरनेस सेंसिटाइजेशन ये सब देख सकते हैं आप, और इसके प्रति संवेदनशील उनको बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के विभिन्न स्तरों के कार्मिकों को अधिक सक्षम बनाने के लिए कार्य करना, और ऐसा स्वस्थ और पर्यावरण अनुकूल परिवेश तैयार करना जो ऊर्जा संरक्षण और कलात्मक के मूल्यों के प्रति यथोचित रूप से संवेदनशील हो। इसमें आप कुछ रीसेंट एग्जांपल्स देख सकते हैं। कवि सम्मेलन आजकल बहुत बढ़ रहे हैं, हिंदी पे इतना जोर दिया जा रहा है। डॉक्टर कुमार विश्वास आप जानते हैं, जाने माने कवि हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में इतना अच्छा काम किया है कि अब जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुल टाइम जॉब करते हैं लेकिन एज हॉबी वो पोएट्री को परस्यू कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें काम कर रहे हैं, हिंदी भाषा की जो वो है। और फिर आपकी एक किताब थी अभी, ये रेत समाधि टॉम ऑफ सैंड, जिसका ट्रांसलेशन था हिंदी का, उसको क्या बोलते हैं प्राइज मिला, इतना बढ़िया। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं, ये आप अपनी वो छोटी सी डायरी में नोट कर सकते हैं और उसको करंट अफेयर्स से लिंक करके ऐसे मतलब थोड़ा सा बोरिंग और स्टेटिक टॉपिक में भी थोड़ा सा डायनामिज्म डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो चार एग्जांपल्स आप इकट्ठे कर लो अपने अखबार से, करने दो चार ही हैं, ऐसा नहीं अब एग्जाम्पल इकट्ठे करने के पीछे लग गए हैं बच्चे, फिर पता है क्या उससे संबंधित कुछ भी आता है उससे लिख लेते हैं, और कुछ चीजें ऐसी ऑब्जर्वेशन से भी आप लिख के आ सकते हैं अपने पेपर में। अब जो भाषा विभाग है उत्तर प्रदेश के, मुख्य रूप से उसके क्या कार्य हैं, एक तो राज्य सरकार के जितने अध्यादेश हैं, विधेयक हैं, अधिनियम हैं, नियम हैं, विनियम हैं एवं सामान्य प्रकृति के जो अन्य कार्य हैं उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद ट्रांसलेशन करते हैं, उर्दू के सरकारी गजट के प्रकाशनार्थ सामग्री का हिंदी से उर्दू और अंग्रेजी से उर्दू में अनुवाद, भाई जैसे गैजेट हिंदी का है ऐसी उर्दू का है तो उसमें ट्रांसलेशन होता है, और शासन के जो विभागीय मैनुअल हैं, जो डिपार्टमेंटल मैनुअल, नियम संग्रह, आदेश या जो जितने संदर्भ में ग्रंथ हैं उनका संपादन प्रकाशन, उसका कार्य भी यही करता है। हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं तथा उनके साहित्य के प्रचार प्रसार, संरक्षण, प्रोत्साहन, विद्वानों साहित्यकारों को सम्मानित करने संबंधी विभिन्न योजनाओं का भाषा विभाग के अधीन कार्यरत संस्थाओं अकादमियों के माध्यम से संचालन करना और शब्दावलियों का निर्माण करना, वोकैबुलरीज का डेवलपमेंट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट काम है जो भाषा विभाग उत्तर प्रदेश का मुख्य रूप से कर रहा है। इतनी बातें जरूर याद रखनी है, ये बहुत बेसिक है, इतना तो लिख के आना ही आना है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर्स का कुछ भी इंक्लूड कर लो, वो अपनी अपनी मर्जी के हर एक की। क्लियर होंगे इतनी बात, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आप देख लीजिए संचित और आकस्मिक निधियां, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और कंटिजेंसी फंड। अब ये क्या होते हैं, देखो सबसे पहले तो आपको अनुच्छेद ध्यान रखने हैं, 266(1) क्लॉज आपका डील करता है किससे, आपकी संचित निधि से, कंसोलिडेटेड फंड से। इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार ने जितने ऋण उठाए हैं, लोन्स अवेल किए हैं, बाजार ऋण, बॉन्ड से, केंद्र सरकार से लिए हैं कुछ पैसे, वित्तीय संस्थानों से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे पैसा लिया है, राष्ट्रीय लघु बचत कोष जो होता है नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड उससे लिया है, या फिर कोई विशेष प्रतिभूतियां हैं उसके तरीके इसमें शामिल है, मतलब और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गया अग्रिम और राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान से जो प्राप्त धन है वो सब कुछ इसमें आता है, कानून के अनुसार और उद्देश्यों के लिए और भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए एक तरीके के अलावा आप इस फंड से कोई पैसा विनियोजित नहीं कर सकते, याद रखिएगा। अब देखिए असामान्य मदों को छोड़ दें तो भारत का समेकित कोष जो है वो भारत सरकार के राजस्व के साथ साथ आयकर, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और ये अन्य जो स्रोत हैं इसके परिव्यय की देखभाल करता है, आप जानते हैं। अब आप अगर देखें तो ये जो यहां इस जो फंड है, आपने अगर सुना होगा इसमें आपने शब्द सुने होंगे भारत की संचित निधि पर भारत व्यय, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक होते हैं जो शुल्क वो हैं
जो इस पे चार्ज किए जाते हैं वो कौन से होते हैं? जो समेकित निधि के विरुद्ध निर्धारित शुल्क गैर मतदान योग्य शुल्कों का उसके रूप में जाने जाते हैं। भारत की संचित निधि से इन लोगों की निकासी पर कोई राय नहीं है, ये शुल्क देय हैं चाहे बजट स्वीकृत हो या नहीं हो। मतलब ये तो देने ही देने आपको। अब एक सवाल आता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है उस पे कौन से एक्सपेंडिचर्स चार्ज होते हैं? आप उस पे देखिए सैलरीज, पेंशंस, अलाउंसेस जो होती हैं हाई कोर्ट के जज की, ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है, उच्च न्यायालय का जो जज है उसका ये सब इस पे चार्ज होता है। चार्ज से ही सुनिएगा क्योंकि ये कई बार आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब व्यय की यहाँ पे कुछ श्रेणियां हैं, संवैधानिक प्राधिकरणों के वेतन, ऋण चुकौती, राज्य की संचित निधि प्रभारित व्यय पर एक प्रभार का गठन करती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, वोटेबल नहीं है ये एक्सपेंडिचर। आज जो बाकी के सभी व्यय हैं उन पर दत्त मत व्यय विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है, ये चीज आपको खासकर ध्यान रखनी है। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बातें? मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब फिर है इसके संचित निधि में कितने खंड हैं? एक है राजस्व, एक है पूंजी, रेवेन्यू और कैपिटल जिसको आप कहते हैं, सार्वजनिक ऋण, लोन, अग्रिम सहित, इन्हें आगे प्राप्तियां और व्यय में तहत वर्गीकृत किया गया है, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। राजस्व प्राप्तियां अनुभाग को तीन अलग क्षेत्रों में बांटा हुआ है, कर राजस्व, गैर कर, रेवेन्यू, नॉन रेवेन्यू। जैसा पढ़ा होगा आपने, जो बेसिक अर्थव्यवस्था पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा अनुदान सहायता और योगदान कॉन्ट्रीब्यूशन, ये है ग्रांट्स एंड एड। अब ये जो तीन क्षेत्र हैं इनको आय और व्यय पर कर, राजकोषीय सेवाएं आदि जैसे उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब जो पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, पूंजीगत कौन सा? आपने कोई हैवी मशीनरी खरीदी, ठीक है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया, आपने पेटेंट खरीदा, कॉपीराइट खरीदा, वो सारा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। और रेवेन्यू में कौन सा आता है? रेवेन्यू में आती है आपकी सारी सर्विसेज टाइप। अब पूंजीगत प्राप्तियों में अनुभाग में कोई भी क्षेत्र या उपक्षेत्र शामिल नहीं है, इसमें कोई सब डिविजन नहीं है। राजस्व व्यय अनुभाग जो है वो चार क्षेत्रों में विभाजित है, जैसे कि सामान्य सेवाएं, जनरल सर्विसेज हैं, सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज, आर्थिक सेवाएं और अनुदान सहायता और योगदान। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने यहाँ पे देखा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आता है आपका कंटिंजेंसी फंड या फिर आकस्मिकता निधि। ये 267 में आपका डील करेगा, अनुच्छेद लिख के आने आने आपको। यहाँ पे दी हुई है आपकी उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि, ये ठीक है अभी पढ़ेंगे हम इसको, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा कंटिंजेंसी फंड जो है इंडिया का उसके बारे में बता देती हूँ। आप जानते हैं ये जो निधि है ये राष्ट्रपति के लिए सुलभ है, जो अप्रत्याशित व्यय को कवर करने के लिए संसद ने पहले अनुच्छेद 115 या 16 के अनुसार अनुमोदित कानून के माध्यम से अपनी स्वीकृति देने से पहले इसमें से धन निकाल सकता था। अब क्या है, वहां पे राष्ट्रपति देख रहे हैं तो यहाँ कौन देख रहा होगा? स्टेट में गवर्नर देख रहे होंगे। ठीक है, इसे लागू कानून जो होगा वो इंगित राशियों में नियमित आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। एक फंड, ये एक फंड है कंटिंजेंसी फंड, जो कानून द्वारा परिभाषित किसी भी राशि के आवर्तक योगदान को स्वीकार करेगा वह राज्य की आकस्मिकता निधि है बस। और एक राज्य की विधायिका इसे कानून के माध्यम से स्थापित कर सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। अब जो राज्य का राज्यपाल है उसके पास उपरोक्त निधि तक पहुंच होगी, डायरेक्ट पहुंच होगी, और जो विधायी निकाय है उसके द्वारा मान लीजिए उसको अनुमोदित किया जाने से पहले अप्रत्याशित व्यय के भुगतान के लिए समय से पहले धन वापस वो ले सकते हैं। मान लीजिए कोई विनाशकारी घटना है उसका जवाब देने के लिए इसके तहत इस कोष का जो निर्माण है वो आवश्यक माना गया है। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति आप जानते हैं इस अशांति के प्रभारी हैं, यहाँ पे गवर्नर हैं, और संसद की स्वीकृति के बिना सरकार को अपने वित्त पर नियंत्रण रखने की अनुमति नहीं है। आप राज्य सरकार पे भी इसी चीज को लागू कर लीजिए। और इस कोष से और निकासी के लिए अधिकृत होने से पहले संसद की स्वीकृति, मतलब यहाँ पे आपके स्टेट लेजिस्लेचर की जो स्वीकृति है वो अनिवार्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे जरूरी बस इतनी चीज आपको देख के चलनी है, मतलब बेसिक बस याद रखो, और ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, अब एक बार मैं आपको ये बता देती हूँ, पहले ये करके फिर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ जिसको नहीं पता है उसके लिए। अब उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि अधिनियम है ये, इसको संशोधित किया गया इतनी बार, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी स्थापना की गई है, यह कोष एक अग्रदाय प्रकृति का है जो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया जाता है, और राज्य विधानमंडल द्वारा आकस्मिक व्यय के प्राधिकरण के लंबित होने पर अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिमों को सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा गया, इतनी बात मैं आपको बता चुकी हूँ। राज्य की संचित निधि से संबंधित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्षक में व्यय को डेबिट करके निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये एक नवीनतम अध्यादेश भी दिया हुआ है, ऑर्डिनेंस की फोटो दी हुई है, 2020 का होगा ये, हाँ ये रहा जो लेटेस्ट वाला है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। बाकी
अब व्यय जो है एक्सपेंडिचर, अभी आपने देखे उसमें चार्ज्ड एक्सपेंडिचर होता है, प्रभारित व्यय। जो संचित निधि है उसके वार्षिक बजट प्रस्तुतिकरण में प्रभारित व्यय को गैर मतदान योग्य व्यय के रूप में आप जानते हैं संदर्भित किया जाता है, ठीक है। जो आपका 112 क्लॉस 3 है और 202 है उसके अनुसार संयुक्त बजट के कुछ प्रभारी व्यय जो हैं वो बिना मतदान के भी किए जा सकते हैं। और एक होता है आपका मतदान या मतदान योग्य व्यय, जिसको आप वोटिंग या फिर वोटेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है, बजट मतदान व्यय के लिए मतदान इसमें करना होगा आपको जो वोटेबल वाला है, और जो अनुदान आवेदन है उनके द्वारा बजट के व्यय का प्रतिनिधित्व किया जाएगा, ठीक है। आमतौर पर जो अलग अलग मंत्रालय होते हैं उसमें एक विशिष्ट श्रेणी के लिए भत्ते के साथ साथ अलग अलग जो अनुदान आवेदन होते हैं ना ग्रांट्स वगैरह के लिए वो प्रस्तुत किया जाता है। और एक होती है आपकी, फिर आपकी सप्लीमेंट्री ग्रांट आती है, अनुपूरक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान आते हैं, एडिशनल ग्रांट, ये सब आपने थोड़े बहुत पढ़े भी, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपने देखी आपके इन दोनों निधियों के बारे में, तो ये ध्यान रखना है, कई बार सवाल आ सकता है, ठीक है। ये आपका 2020 का एक ऑर्डिनेंस है इससे संबंधित, यहाँ पे उसकी फोटो दी हुई है, ये आप एक बार देख सकते हैं। अब आता है आपका राजनीतिक दल और उत्तर प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत संविधान में ये प्रावधान है क्या कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, ठीक है, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। अब स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की स्थापना और विकास को काफी महत्वपूर्ण बताया गया, भाई गांधी जी की भी यही आइडियोलॉजी यही फिलोसफी थी, और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जानते हैं यूपी पंचायत राज अधिनियम वेरी इंपॉर्टेंट 1943 को लागू किया गया। नतीजन क्या होता है, ग्राम सभा ग्राम पंचायत हर गांव में या गांव के एक समूह के लिए पूरे राज्य में स्थापित की गई। इसके बाद विभिन्न समितियों ने सिफारिश की कि पंचायत राज और शहरी स्थानीय निकाय संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इन संस्थानों के चुनाव अलग चुनाव आयोग द्वारा कराए जाएं। परिणाम स्वरूप संविधान ने आप जानते हैं 73rd और 74th संशोधन जो है वो 1993 से प्रभावी किया, जिससे आपकी पंचायती राज और जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, ठीक है। अब जो भारत का अनुच्छेद है 243 के, उसमें कहा गया है कि पंचायतों के सभी चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने का अधीक्षण निर्देशन और नियंत्रण एक राज्य चुनाव आयोग में निहित होगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य चुनाव आयुक्त भी होगा। और इसका गठन पहली बार, ये ऐसी पहली डेट्स आप थोड़ा ऐतिहासिक पहलू लिखने के लिए थोड़ा याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में आप कुछ चीजें देख लीजिए। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित होते हैं, उनकी सेवाएं शर्तें पदावधि सब कुछ राज्यपाल ही निर्धारित करते हैं। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा, आप जानते हैं जो हाईकोर्ट के जज हैं उस प्रोसीजर से इनको हटाया जाता है, ठीक है, उसके अलावा किसी और तरीके से इनको हटाया नहीं जा सकता। उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिससे उसका नुकसान, मतलब जो उनकी डिसएडवांटेज पे हो, ऐसा कोई चेंज नहीं किया जा सकता। पंचायतों के चुनाव संबंधी सभी मामलों पर राज्य विधानसभा का कोई भी उपबंध बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी रूल रेगुलेशन नियम बना सकता है, इतनी बात आपको याद रखनी, ठीक है। फिर है आपका उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है, क्या होंगे कार्य, चुनावी जो प्रक्रिया है उनकी देखरेख करना, निर्देशन करना, आदर्श आचार संहिता बनाना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, मतदाता सूची तैयार करना, उस पर नियंत्रण, और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में ही नियुक्त होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है। अब संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों, दिशा निर्देशों और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अधीन नियमों के अनुसार मतदाता सूची तैयार की जाती है। यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 9 के तहत इस आशय के लिए विशिष्ट प्रावधान है। अब ये आप धारा वगैरह छोड़ भी सकते हैं, नहीं भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है, याद रह जाए तो अच्छी बात है। यूपी क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961, उसकी धारा के क्षेत्र में पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करना और जिला पंचायत के लिए मतदाता सूची तैयार करना, इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करना, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है, और ये नगर निगम की मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम तो इनका क्या है, इलेक्टोरल रोल जो है उसको प्रिपेयर करना अलग अलग, तो ये वाली सारी चीजें आपने इससे संबंधित देख ली। अब उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की कुछ पावर्स हैं, शक्तियां मिली हुई हैं, क्या है,
सिविल न्यायालय के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति को समन करना, समन भेजना या उसकी उपस्थिति को बाध्य करना, शपथ दिलाकर उसकी जांच कराना, ये करता है काम। साक्ष्य के रूप में किसी भी दस्तावेज या अन्य सामग्री की खोज या प्रस्तुतिकरण का आदेश देना। किसी भी अदालत या कार्यालय में सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति का अनुरोध करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना और गवाह या दस्तावेजों की जांच के लिए आदेश जारी करना। ये सब सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट जो होता है उसके तहत, उसके रूप में इसको शक्तियां प्राप्त हैं। निर्वाचन आयोग को एक सिविल न्यायालय माना जाता है और यदि कोई अपराध निर्वाचन आयोग की दृष्टि में आता है तो जो दंड संहिता में, इंडियन पीनल कोड में वर्णित हो, तो उसे निर्वाचन आयोग अपराध दर्ज करके अभियुक्तों के बयान दर्ज करने के बाद उस मामले को मजिस्ट्रेट के पास भेजता है जिसका अधिकार क्षेत्र होता है। तो काफी इंपॉर्टेंट पावर्स हैं इसके पास। एक है इसकी रूल मेकिंग पावर, उसको आप कहेंगे नियम बनाने की शक्ति। इसमें क्या है, जो निर्वाचन आयोग है उसके साथ परामर्श करने के बाद जो स्टेट गवर्नमेंट है, हमारी सरकार है, सरकारी शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उद्देश्यों को पूरा कराने के लिए निम्नलिखित में से संबंधित नियम बनाती है। तो सरकार इस सब पे सलाह लेती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के। जो मतदान केंद्र है उन पर पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारी, जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं, बूथ के ऑफिसर्स होते हैं, उनका कार्य क्या होगा उसको निश्चित करना। निर्वाचक नामावली के संदर्भ में मतदाताओं की जांच, जितनी भी निर्वाचक नामावली हैं उनके संदर्भ में जो जांच होगी वो, और निर्वाचन क्षेत्र में मत देने का तरीका क्या होगा ये भी यही देखता है, और किसी व्यक्ति द्वारा अपने आप को एक मतदाता के रूप में वोट देने के लिए पीछा करने के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, वोटिंग मशीन के माध्यम से मत देने और रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होगा, मतदान केंद्र पे क्या अपनाई जाएंगी प्रक्रिया, मशीनों का उपयोग कैसे किया जाएगा, चुनाव के परिणाम की घोषणा से पहले सुरक्षा और मतगणना किस हिसाब से होगी, वोटिंग मशीन के माध्यम से रिकॉर्ड किए गए वोटों की गिनती की प्रक्रिया क्या होगी, निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत बैलेट बॉक्स, वोटिंग मशीन, बैलेट पेपर और अन्य आवश्यक पेपरों की सुरक्षित अभिरक्षा, जिसके लिए कागजात संरक्षित किए जाएंगे और ऐसे कागजातों का निरीक्षण और निर्माण, ये सभी भी इन्हीं के जो नियम बनाने की इनकी शक्तियां हैं उसी के अंतर्गत आएगा। वो स्थान, दिनांक, समय जिस पर दावे या आपत्तियां सुनी जाएंगी और तरीके जिनके अंतर्गत दावे या आपत्तियां सुनी जाएंगी उन सबका निस्तारण भी किया जाएगा। तो ये एक और है। अब आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल क्या है। राजनीतिक दल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टी, नेताओं का एक समूह, स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह जो समान दृष्टिकोण रखते हैं, एक सिमिलर आइडियोलॉजी रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में चार प्रकार के राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से? प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, रिएक्शनरी पॉलिटिकल पार्टीज। ये कौन सी हैं? जो पुराने ऑर्थोडॉक्स हैं, थोड़े से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो संस्थाएं हैं ये उनसे जुड़े रहना चाहते हैं। एक है आपके रूढ़िवादी, कंजर्वेटिव, ठीक है। ये वो हैं जो यथाशक्ति, यथास्थिति, सॉरी, यथास्थिति में विश्वास रखते हैं, स्टेटस को, या आप हिंदी वाले भी इस वर्ड को लिख सकते हैं, में विश्वास रखते हैं। एक है आपके उदारवादी, लिबरल्स, सुना होगा आपने, द सो कॉल्ड लिबरल्स, जिनका लक्ष्य समान संस्थानों को में सुधार करना है। और एक है सुधारवादी, ये है आपके रिफॉर्मिस्ट। ये इनका उद्देश्य क्या है? जो विद्यमान व्यवस्था है, एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसको हटा के नया सिस्टम स्थापित करना। अब राजनीतिक जो दल हैं, इन विचारधाराओं के वर्गीकरण पे जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उन्होंने क्या करा हुआ है, जो सुधारवादी हैं उनको वामपंथ, उदारवादी दलों को मध्य में, और प्रतिक्रियावादी दलों को जो है दक्षिण पंथ में रखा गया है। वो आप सुना होगा ना, लेफ्ट विंग, राइट विंग पॉलिटिक्स। ये अब भारत में सीपीआई, सीपीएम जो है ये वाम दल है, और कांग्रेस पंथी केंद्र दल है, और भाजपा जो है वो दक्षिण पंथी दल है, ठीक है, राइट विंग पॉलिटिक्स करते हैं। या आपने देखा होगा, कहते हैं ना हिंदू जो है लेफ्ट विंग, लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, तो वो ऐसे होता है वर्गीकरण, जिसे नहीं पता हो तो यहाँ देख सकता है, ठीक है। अब राष्ट्र और राज्य स्तरीय दलों को मान्यता कैसे मिलती है? कोई भी आप भी बनाएंगे पॉलिटिकल पार्टी तो फिर उसको कैसे मान्यता मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करेगा, रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले, तो फिर उनको चुनाव निष्पादनता के आधार पर उनको राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता दी जाएगी। उनके लिए जो बाकी के दल हैं वो केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल को घोषित रहेंगे, ठीक है। तो आयोग जो है वो किस तरीके से जो प्राप्त दल हैं, जिनको मान्यता प्राप्त है, उनको कुछ विशेषाधिकार हैं, प्रिविलेजेस मिली होती है उनको, डेफिनेटली जब वो भाई नेशनल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी इतनी इंपॉर्टेंस की बन जाती है तो
या स्टेट पार्टी, उनको चुनाव चिन्ह मिलता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा। इसके अलावा मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल एक प्रपोजर चाहिए होगा, एक प्रस्तावक चाहिए होगा इनको। प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाएगा जो संपूर्ण देश में विशिष्टता उसी के लिए आरक्षित रहेगा, एक्सक्लूसिव रहेगा। तो राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, इनकी मान्यता देख लीजिए आप। अब ये तीन दी हुई है, इसमें से कोई एक शर्त पूरी हो जाए तो राष्ट्रीय स्तर की आपको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बना दिया जाएगा। क्या कोई पंजीकृत दल तीन विभिन्न राज्यों में लोकसभा की जो कुल सीट है उनमें से कम 2% सीट हासिल कर ले। कोई दल चार अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें उसको हासिल। किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल, मतलब फिर एक स्टेट पार्टी भी अगर आप हो, इनमें से जो नीचे दी हुई हैं शर्तें, इनमें से कोई एक लागू करोगे तो आप इनमें से कोई एक हो जाए आपकी पूरी, तो आप यहां पहुंच जाओगे, इन तीन में एक बन जाओगे। ठीक है, राज्य स्तर दल को मान्यता कैसे मिलती है? राज्य स्तर को चुनाव आयोग में पंजीकृत दल को निम्न में से किसी एक शर्त का पूरा होना जरूरी है, 4 में से 1 और यहाँ पे 3 में से 1, और यहाँ पे 4 में से 1 होगी तो ऊपर 3 में से 1 में आप पहुंच सकते हो तीसरे वाले। दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों का 3% या फिर 3 सीट जीतनी होगी तो वो स्टेट पार्टी बन जाएगी। दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में प्रत्येक 25 सीटों पर एक या कम से कम एक या उसके अंश पर जो राज्य में निर्धारित हो वो मिल जाए। दल को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में जो वैध मत है, वैलिड वोट है, उसमें से कम 6% मिल जाए तथा लोकसभा में कम से कम 1 सीट और विधानसभा में 2 सीट पर विजय मिल जाए। यदि दल ने लोकसभा और विधानसभा में कोई सीट ना जीती हो लेकिन यदि उसने लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों के 8% मत हासिल किए, ये सारी कंडीशंस हैं, ये सारी शर्तें हैं जो पूरी करने पर आप राष्ट्रीय दल नेशनल लेवल की पार्टी या फिर स्टेट लेवल की पार्टी बन सकते। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख राजनीतिक दल हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, ये एक बार आप देख सकते हैं। राष्ट्रीय दल दिया हुआ, बहुजन समाज पार्टी BSP 84, जनता पार्टी 80, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 1925, भारत की साम्यवादी पार्टी मार्क्सवादी CPI M 1964, कांग्रेस 1895, कहाँ हुआ था पहला अधिवेशन बताओ जरा, आम आदमी पार्टी 2012, और राज्य स्तरीय दल हैं आपके समाजवादी पार्टी और अपना दल S। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखी, छोटा सा लेक्चर था, कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार देख लो, इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो पेपर में करा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बढ़िया से पढ़ाई करती रहिए। ये हमारे पेड ग्रुप की जानकारियों के लिए आपको डिटेल्स यहाँ पे दी, धन्यवाद।